वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बाजार का कहना है कि पंजाब हुकूमत जल्द ही बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहती है, अवाम को निचली सतह पर हकीकी नुमाइंदगी मुयस्सर होगी। सरदार उस्मान बुजार ने अपने बयान में कहा कि फरहमी निकासी आब और सोलिंग की स्कीमें 17 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। लोकल गवर्नमेंट के मजबूत निजाम से अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। सूबे भर में जारी स्कीमों को शफाफियत से पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि तामीराती शोबे से मुतालिक इजाजत नामों के हसूल के लिए वन विंडो सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है। तामीरात से मुतालिक NOC और नक्शा जात की मंजूरी अब ई खिदमत मराकज से होंगी। ई खिदमत मराकज में जरूरी इजाजत नामे बगैर रिश्वत और आसानी से मिल सकेंगे। उस्मान बाजार ने कहा कि आवाम को अब फाइलें उठाए दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हुकूमत ने तामीराती शोबे से मुतालिक खिदमात के NOC के इजरा के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर कर दिया है। हुकूमत दरख्वास्त गुजार को मुकर्रर मुद्दत में NOC और इजाजत नामे जारी करने की पाबंद होगी।